अगर आप एक यूट्यूबर है, अगर आपका यूट्यूब पे चैनल है, तो आपको एक काम बहुत ही करना ज़रूरी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे काम करते हैं, तो एक काम जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप अपने यूट्यूब चैनल पे ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, और इससे बहुत ही बेनिफिट होता है और आपके चैनल का रीच भी बढ़ता है। आपका जो यूट्यूब चैनल है जो डेड हो चुका है, यानी कि जिस पे व्यूज बहुत ही कम आता है, उसका मतलब रीच बढ़ जाता है, आपका सब्सक्राइबर जो है उससे भी मतलब इंक्रीज होने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और वो काम जो है पहले क्या होता था उसका मैं नाम बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कम्युनिटी पोस्ट। जी हाँ मेरे दोस्तों, कम्युनिटी पोस्ट आप अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर कीजिएगा। और कम्युनिटी पोस्ट ऐसे ही नहीं कर देना है, कम्युनिटी पोस्ट कई प्रकार के होता है, वो मैं आपको आगे मोबाइल के स्क्रीन पर चल के बताऊंगा कि किस प्रकार का कम्युनिटी पोस्ट आपको अपने यूट्यूब चैनल पर करना है। और उससे बहुत सारा सब्सक्राइबर मुझे भी बढ़ा है, और पहले जो है मुझे इतना सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता था। और पहले ये जो कम्युनिटी पोस्ट है ना, पहले 1000 सब्सक्राइबर पर मिला करता था, उसके बाद 500 पर मिलने लगा, उसके बाद अब तो यूट्यूब ने 0 सब्सक्राइबर पे ही कर दिया है। और आपने आज ही चैनल बनाए हैं तो आपको जो है 2-3 दिन के बाद मतलब 0 सब्सक्राइबर पे भी आपको यूट्यूब के तरफ से कम्युनिटी टैब जो है मिल जाता है कम्युनिटी पोस्ट करने के लिए। और किस प्रकार से कम्युनिटी पोस्ट करना है और किस प्रकार से आपके चैनल का रीच बढ़ेगा वो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर चल के बता देता हूँ कि आपको भी अपने यूट्यूब चैनल पर जो है मतलब किस प्रकार से कम्युनिटी पोस्ट करना है। और अगर आप अपने चैनल पर ये बराबर करते हैं तो आपका सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, और मुझे भी बढ़ रहा है। मुझे पहले इतना सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता था, और आप लोग देख रहे होंगे मुझे 1300 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुका है। और पहले जो है मतलब एकदम धीरे धीरे बढ़ता था, और मैं ये चीज़ें नहीं करता था पहले। और जब से मैं ऐसे कम्युनिटी पोस्ट कर रहा हूँ ना, तब से मुझे भी सब्सक्राइबर मतलब फास्ट ही मतलब ग्रो हो रहा है। एक दिन में 10 से 15 12 15 ऐसे सब्सक्राइबर रोज मुझे बढ़ता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मैं वीडियो हमेशा अब नहीं डाल पा रहा हूँ लगभग 1 महीने से। आपको मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 1 महीने पहले मैं घर से निकल गया हूँ, मतलब मैं प्रदेश में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र में मैं काम करता हूँ फर्नीचर का। इस वजह से मैं अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के सॉरी। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी टाइम निकाल के मैं अपने चैनल पर वीडियो भी डाल देता हूँ, कैसा भी वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर जैसा भी होता है छोटे टॉपिक वाला। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा चैनल ठप पड़ जाए। और चलिए हम ये सब छोड़ते हैं और आपको हम बता देते हैं कि किस प्रकार से आप भी अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट करना है आपको भी। तो सबसे पहले हम यूट्यूब खोल लेते हैं, हमारे यूट्यूब का एप्लीकेशन यहाँ पे है, इसको हम ओपन करते हैं। उसके बाद हमारे YouTube चैनल का प्रोफाइल यहाँ पे दिख रहा है कोने में, इस प्रोफाइल के ऊपर हम सिंपली क्लिक करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे योर चैनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे योर चैनल है, इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करते हैं। और जैसे हम योर चैनल पे क्लिक किए तो हमारा चैनल जो है यहाँ पे खुल के आ गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे हमारा ये वीडियो वाला ऑप्शन है, ये जो वीडियो वाला सेक्शन है, इस वीडियो वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। और जैसे हमने वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो अब आपको हम व्यूज़ दिखा देते हैं। हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे कम व्यूज आता है, यहाँ पे 1 दिन हुआ है, इस पर सिर्फ 5 व्यूज आया है। हम ऐसा है टॉपिक ही सिलेक्ट करते हैं ना, हम टाइम कमी की वजह से मतलब अच्छे टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पाते हैं। और अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाने में आपको 4 से 5 घंटा लग जाएगा, सब कुछ रिसर्च करना है, फिर उसके बाद मतलब अच्छे से वीडियो बनाने में आपको 4-5 घंटा लग जाता है, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है। तो मैं छोटे मोटे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, इस वजह से व्यू नहीं आता है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये मतलब 5 व्यूज है, यहाँ पे 11 व्यूज है, यहाँ पे 7 व्यूज है, 10 व्यूज है, हमारे वीडियो पे हर वीडियो पे 17 व्यूज है, यहाँ पे 7 व्यूज है, 19 व्यूज है, मतलब ऐसा व्यू आ रहा है। और जो हम कम्युनिटी पोस्ट करते हैं उसका मैं आपको वोट वगैरह दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो ऑप्शन है इसको हम ऐसा घसकाते हैं, सरकाते हैं, और यहाँ पे जो कम्युनिटी वाला ऑप्शन है, इस कम्युनिटी वाले ऑप्शन पे हम सिंपली क्लिक करते हैं। हम आपको दिखा देते हैं कम्युनिटी में हम पोल डालते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हम कम्युनिटी में पोल डालते हैं। यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आपने यूट्यूब चैनल कब ओपन किया था, ये 5 घंटा पहले हमने जो है ये पोल हमने पोस्ट किया था, पोल डाला था, तो यहाँ पे 8 वोट आ चुका है, सिर्फ 5 घंटे में 8 वोट आया है। और उसके नीचे हम और जाते हैं, यहाँ पे नीचे आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे 21 घंटा पहले हमने एक और कम्युनिटी पोस्ट किया था, क्या आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, तो ये भी मतलब 13 वोट आया है। इतना ज़्यादा हमारे चैनल पे आप वीडियो पे देखे होंगे व्यूज नहीं है, और लेकिन इसमें ज़्यादा वोट आया है, और इससे सब्सक्राइबर भी बढ़ता है। यहाँ पे हम बोले थे आपके यहाँ मकर संक्रांति कब है, 14 जनवरी 15 जनवरी, तो यहाँ पे जो है 24 वोट आया है, जो कि हमारे 24 व्यूज हमारे हर वीडियो पे नहीं आता है। तो आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि कितने लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जो है हमारा ये मतलब पोल जाता है, जितना ज़्यादा वोट आता है उतना यूट्यूब जो है हमारे इस पोल को बहुत सारे मोबाइल पर भेजता है, बहुत सारे लोगों के पास भेजता है, तो बहुत सारे लोग इसमें वोट करते हैं। जो सब्सक्राइब नहीं किया होता है वो सब्सक्राइब ही कर लेते हैं, तो ऐसे में सब्सक्राइबर आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर आप वीडियो किस
किससे अपलोड करते हैं, मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, टैबलेट से, यहाँ पे हम इस प्रकार से ऑप्शन रखे थे। तो यहाँ पे 44 वोट आया है 5 दिन में, यहाँ पे आप समझ सकते हैं 5 दिन में 44 वोट है, 18 वोट है। तो इस प्रकार से जो है मतलब ये सब इसका भी मतलब वोट अभी बढ़ेगा, 5 घंटा ही हुआ है। तो अगर आप इस प्रकार से जो अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट वगैरह करते हैं ना, तो आपका सब्सक्राइबर जो है 100% बढ़ेगा और आपका चैनल का रीच भी मतलब डाउन नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने यूट्यूब चैनल पर किस प्रकार से कम्युनिटी पोस्ट करना है, और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बस मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।